हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और आप सभी को अपने चैनल किरण क्रिएशन में स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम बताए हैं पाइपिंग बनाना, बिल्कुल रेडीमेड पाइपिंग के जैसे यहां पर बनकर तैयार होगा। वो भी तीन तरीका हम बताए हैं पाइपिंग बनाने का, बिल्कुल इजी तरीका है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1.5 इंच का तीन पट्टी ले लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दो हम रेड कलर के लिए हैं, एक ब्लू कलर के लिए हैं और एक ये सिंगल फुट जो आता है वो ले लिए हैं। जिप लगाने वाला जो सिंगल फुट आता है वो ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसके बिना भी आपको नॉर्मल फुट से भी बनाना बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पाइपिंग बनाने के लिए ये जो धागा होता है मोटा वाला, ये लेते हैं। तो हम इसे भी बनाकर बताएंगे और बिना धागे के भी बनाकर बताएंगे। उसके बाद ये फुट, नॉर्मल जो फुट होता है उसको हम निकाल दिए और ये जो सिंगल वाला फुट है इसको लगा दिए और इस पट्टी को ले लिए हैं और बीचों बीच सेंटर में इस धागे को डाल दिए हैं और इधर से एक सिलाई चलाकर इसको लॉक कर देंगे यहीं पे कि धागा आगे पीछे ना हो। और इस तरीके से बिल्कुल उसके टच करते हुए सिलाई चला लेंगे। तो ये तो बल्सक में सबको बनाना आता है, सिंगल फुट से सबको बनाना आता है। सबसे इसमें इजी तरीका है तो हम बे धागा का और नॉर्मल फुट से बनाना बताएंगे। तो जो बिगनर हैं उनको नहीं, जो पाइपिंग बनाना आता है उनके लिए यह इजी है, एकदम इजी। मोटा पतला नहीं होगा, बराबर सिलाई चलेगा। तो सिंगल फुट आता है, नॉर्मल मशीन के लिए भी सिंगल फुट आता है, इजली मार्केट में मिल सकता है, तो आप वहां से ख़रीद सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर पतला सा पाइपिंग, बराबर पाइपिंग बनकर तैयार हो गया। आप चलते हैं सेकेंड के तरफ। तो सेकेंड के लिए देखिए, हम ये वाला सिंगल वाला फुट निकाल दिए और नॉर्मल जो सिलाई करते हैं वो वाला फुट लगा लिए। कपड़े को ले लिए, दो फोल्ड कर दिए और इसके हम ऊपर जितना मोटा आपको पाइपिंग बनाना है उतना पे हम मार्क एक कर लिए। ये मार्क बस हम आप लोग को दिखाने के लिए किए हैं कि इतना, जितना मोटा आपको अगर बनाना है उतना ही दूरी पर सिलाई चलाना है। यहाँ पे कोई धागा होगा नहीं अंदर डालना है। तो इस तरीके से सिलाई चला लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आप सभी को अगर यूजफुल लगा होगा, अगर थोड़ा भी इसमें कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम सिलाई कंप्लीट कर लिए। अब जो धागा है मोटा वाला उस धागा को ले लिए हैं और यहाँ पे एक नॉट लगाकर बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम नीडल लिए हैं, सुई ले लिए हैं और एक नॉट लगाकर बंद कर दिए। अब इसके बैक साइड से, नीडल जो है उसके बैक साइड से हम इस तरीके से जो सिलाई चलाए हैं उसके अंदर धागा को डालेंगे। यहाँ पे एक नॉट लगा है, इसके वजह से अंदर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो नीडल है उसके बैक साइड के सहारा से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे तो आसानी से चला जाएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जितना चौड़ा, जितना मोटा अगर आपका धागा है उतना ही दूरी पर सिलाई चलाएँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके खींच लेंगे। जैसे ब्लाउज में पीछे बांधने वाला डोरी पलट कर बनाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही ये भी बनेगा। तो इसमें पलटना नहीं है, बस उसके अंदर जो धागा है उसको डालना है। हम इसका फिनिशिंग लुक दिखा रहे हैं। देखिए, जो फर्स्ट वाले हम बनाए थे सेम टू सेम उसी के जैसे दिख रहा है। इस तरीके से आप डबल पाइपिंग भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बिल्कुल बराबर हुआ है। अगर जिसको डायरेक्ट ब्लाउज में पाइपिंग बनाना नहीं आता है वह इस तरीके से पाइपिंग बनाकर रख सकता है, कलरफुल हर कलर का, तो रेडीमेड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम टू सेम रेडीमेड के जैसे ही हो जाएगा। अब तीसरा तरीका यहाँ पर हम बताते हैं। तो सेम जिस तरीके से दूसरा तरीका पर सिलाई चलाए हैं, जो दूसरा तरीका हम बनाए हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उतना ही दूरी पे चल जाएंगे। आप पाइपिंग जितना मोटा या पतला चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर सिलाई चला लेंगे। इस पाइपिंग को हम बिना धागा से बताएंगे।
तो अगर जिसके पास धागा नहीं है, भी ख़त्म हो गया है, उस समय धागा नहीं है और जल्दबाजी है ब्लाउज बनाने का, तो यहाँ पे ये तरीका आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और हम कपड़ा ले लिए हैं जिसमें सुई से इस तरीके से नॉट लगा लिए हैं और उसको जो सिलाई चिलाई से उसके अंदर से इस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे धागा सेकेंड वाले पाइपिंग में हम धागा निकाले थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर हम कपड़े को निकालेंगे। तो यहाँ पर भी कपड़े को, जो कपड़ा है धागे के जगह पर जो इस कपड़े को हम यूज कर रहे हैं, उसको हाथ से थोड़ा सा रोल करके इस तरीके से नीडल से प्रेस कर देंगे तो देखिए आसानी से निकल जाएगा। अब सेम उसी तरीके से धीरे धीरे करके सारे कपड़े को, जो धागा के जगह पर हम जिस कपड़े को यूज कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल लेंगे तो ये भी एकदम गोल सुंदर पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल उन दोनों के तरह जो हम फर्स्ट और सेकेंड वाला बनाए हैं, सेम उसी तरीके से उतना ही चौड़ा, उतना ही मोटा पाइपिंग बनकर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट करके हम दिखाते हैं आपको तीनों पाइपिंग रख कर कि सेम तीनों सेम साइज का वो बना है। इसके बाद से जो एक्स्ट्रा एक कपड़ा देख रहा है, जो एक एक धागा निकला हुआ है, उसको हम कट करके अच्छे से एक फिनिशिंग दे देंगे ताकि देखने में सुंदर लगे। अब ये रहा तीनों का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना सुंदर तीनों एक सेम साइज का बनकर तैयार हुआ है ना, बहुत आसान तरीका। तो आप इस तरीके से पाइपिंग, आप रेडीमेड पाइपिंग घर पे तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिना सिंगल फुट का। ये ज़रूरी नहीं है कि सिंगल फुट अगर रहेगा तभी आप पाइपिंग बना सकते हैं। तो जो सेकेंड और थर्ड हम बताए हैं वो आप नॉर्मल फुट से भी उस तरीके से बना सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा है आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।